देखिए, हम मटन की रेसिपी बनाएंगे, एकदम से ईद स्पेशल है हमारा। आप ईद में इस प्रकार बनाएंगे तो यह आपके लिए स्पेशल बन जाएगा और यह बहुत ही टेस्टी है और लाजवाब है। चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। बनाऊंगी उसके लिए मैंने मसाले ले लिए। यह हमारी धनिया है और यह गरम मसाला है। देखिए ये बड़ी इलायची है और यह देखिए फूल है, छोटी इलायची, जायफल है हमारा, जीरा है, काली मिर्च है, देखिए प्याज है, यह लहसुन है, अदरक है और यह मिर्च है, लाल मिर्च, और यह मैंने प्याज तलने के लिए लिया है। और इधर मैंने टमाटर ले लिया है। अब मैं प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट बना लूँगी और यह मसाले सारे पीस लूँगी और इसको तलने के लिए रख लूँगी। कुकर में तेल रख दिया है, यानी डाल दिया, और गैस को स्टार्ट कर दिया है। हमारा तेल गर्म हो जाएगा थोड़ा सा, तब मैं तड़का डाल दूंगी। देखिए मैं तेज पत्ती डाल दे रही हूँ। मसाले हैं देखिए, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और यह हमारी काली मिर्च है और यह है दालचीनी। देखिए मैं इसी में प्याज डाल, देखिए हमारी प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब मैं इसमें मसाले को डाल दूंगी। देखिए मैंने जो साबुत मसाले पीसे थे वह हमारे हैं और इसमें मैं हल्दी डाल दे रही हूँ, लाल मिर्च है, इसे नमक डाल सकते हैं और यह हमारा गरम मसाला है। देखिए यह हमारा वार इंडिया जो है पिसा हुआ, मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया इसमें और थोड़ी देर के लिए मैं इसको रख दूंगी, इससे हमारा मसाला जो है सेट हो जाए, फूल जाए। मसाले को डाल दे रही हूँ, प्याज है और टमाटर। अब मैं इसको अच्छी तरह भून लूंगी, पहले आंच को तेज करके फिर मीडियम करके। मसाले को मुझे बहुत अच्छी तरह भूनना है जिससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आए, सोनसोना खुशबू आए। और देखिए हमारे मसाले से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए मैं मसाले को इसी प्रकार भून लूंगी, मसाला बहुत अच्छी तरह भूनना पड़ेगा हमें जिससे एकदम से पक जाए और इसमें से तेल छोड़ने लगे। मसाले को भूनेंगे। देखिए यह हमारा मीट है, भून करके इसका पानी निकल गया है, मैंने टेढ़ा कर दिया था। मसाले को भूना है, देखिए हमारा मसाला जो है एकदम से तेल छोड़ने लगा है, कुकर में जो है चिपका नहीं है। देखिए एकदम से अच्छी तरह भून लिया है, आप भी इसी प्रकार भूनिए। इसमें मटर को डाल दे रहे हैं, इससे हमारा मटन भी इसी में अच्छी तरह भून जाए। दे रही हूँ थोड़ी देर के लिए। देखिए मैं थोड़ी देर के लिए और ढक दे, इसमें पानी अभी डाल दे रही हूँ। आप अपने रसोई के हिसाब से, चावल से खाना हो उस प्रकार या रोटी से खाना उस प्रकार रसोई को रखिए, तरी को। अगर चावल से खाना है थोड़ा ज्यादा तरी रखिए, अगर रोटी से खाना है तो थोड़ा कम रखिए। तो ढक दे रही हूँ, ढक
मैं ढक दे रही हूँ और इसमें कम से कम 5 सीटी तक लगवा। देखिए हमारा मटन जो हो गया है, देखिए कितना टेस्टी है यार। पक गया है, इसकी तरी भी देखिए सही है और इसका कलर और टेक्सचर भी अच्छा आया है। तरी भी एकदम से अच्छी तरह बन गई है और मैंने ज्यादा पानी नहीं डाला था। अगर आपको चावल वगैरह से इसका रसा और भी बढ़ा सकते हैं, इसमें मसाले को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो धन्यवाद, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, प्लीज लाइक अवश्य करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मैं मिलती हूँ अगली रेसिपी में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।